दोस्तों, उत्तर प्रदेश शासन में प्रमुख सचिव के द्वारा दिनांक 6 अक्टूबर 2022 को सभी जिला के जिलाधिकारी महोदय को एक पत्र लिखा गया, जो कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। विषय देख सकते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार परिषदीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों का निजी विद्यालयों के साथ युग्मन किए जाने संबंधी निर्देश जारी किए जाने के संबंध में। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में यह सुझाव दिया गया था कि प्रत्येक परिषदीय प्राथमिक विद्यालय यानी कि जो सरकारी स्कूल होते हैं उनको एक प्राइवेट स्कूल गोद लेने और उसके बाद से जो रिसोर्सेज होते हैं उनको शेयर किया जाए प्राथमिक विद्यालय के बच्चों के साथ, यानी कि प्राथमिक स्तर के जो बच्चे होंगे किसी पर्टिकुलर सरकारी स्कूल में, वो पर्टिकुलर उस प्राइवेट स्कूल में जो कि उनको गोद लिया होगा उस पर्टिकुलर सरकारी स्कूल को, तो वहाँ के बच्चे उस पर्टिकुलर प्राइवेट स्कूल में जा करके वहाँ के लाइब्रेरी, वहाँ के TLM या फिर वहाँ के जो भी फैसिलिटीज़ होंगे उन्हें एक्सेस कर सकते हैं, उसके संबंध में देख सकते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में क्या कुछ बातें की गई हैं, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। टू फर्दर इन्हांस कोऑपरेशन एंड पॉजिटिव सिनर्जी अमंग स्कूल्स इंक्लूडिंग बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट स्कूल्स, द ट्विनिंग पेयरिंग ऑफ वन पब्लिक स्कूल विथ वन प्राइवेट स्कूल विल बी अडॉप्टेड अक्रॉस द कंट्री सो दैट सच पेयर्ड स्कूल्स मे मीट इंटरेक्ट विथ ईच अदर, लर्न फ्रॉम ईच अदर एंड ऑल्सो शेयर रिसोर्सेज इफ पॉसिबल। बेस्ट प्रैक्टिसेज ऑफ प्राइवेट स्कूल्स विल बी डॉक्यूमेंटेड, शेयर्ड एंड इंस्टीट्यूशनलाइज्ड इन पब्लिक स्कूल्स एंड वाइस वर्सा फेयर पॉसिबल। यानी कि ये बोला जा रहा है कि प्राइवेट स्कूलों में सरकारी स्कूलों के बच्चे जाएंगे और सरकारी स्कूलों में प्राइवेट स्कूल वाले बच्चे जाएंगे, यानी दोनों के जो रिसोर्सेज हैं उनको शेयर करने की बातें हो रही हैं, इससे दोनों को लाभ होगा। आगे देख लेते हैं क्या कहा गया है। इसमें ये कहा गया है 2 घंटे कम से कम बच्चों को बिताना होगा उस प्राइवेट स्कूल में जा करके, और यहाँ पर आप देख सकते हैं उद्देश्य क्या है। युग्मित विद्यालयों के बीच अकादमिक और सब पाठ्यचर्या संबंधी गतिविधियों, विचारों, दृष्टिकोणों, शिक्षण विधियों, तकनीकों की पहचान और सर्वश्रेष्ठ प्रथाओं को साझा करने हेतु अवसर प्रदान करना। नेक्स्ट है पीयर लर्निंग और ग्रुप लर्निंग के लिए वातावरण प्रदान करके सीखने की प्रक्रिया को गतिशीलता एवं प्रभावी मंच उपलब्ध कराना। नेक्स्ट है बच्चों और शिक्षकों के बीच बेहतर संवाद, अनुभवों, विचारों एवं सर्वोत्तम प्रथाओं के आदान प्रदान से क्षमता संवर्धन तथा समन्वित कार्य संस्कृति का विकास। नेक्स्ट है शिक्षकों एवं बच्चों को अपने विचारों को साझा करने, स्थानीय चुनौतियों एवं समस्याओं, अवरोधों को समझने तथा प्रासंगिक सहयोग के माध्यम से निराकरण करना। नेक्स्ट पॉइंट है लर्निंग हब बनाना, जिसके माध्यम से सीखने सिखाने के संसाधनों तक समान पहुंच सुनिश्चित करना। नेक्स्ट पॉइंट है युग्मित विद्यालय की सर्वोत्तम प्रथाओं का अभिलेखीकरण एवं अनुकरण। तो ये सब कुछ उद्देश्य लेकर के गवर्नमेंट आगे बढ़ रही है और सरकारी स्कूलों को एक पर्टिकुलर प्राइवेट स्कूल के द्वारा गोद लिया जाएगा और उसके रिसोर्सेज को शेयर किया जाएगा। दोस्तों, अन्य जो भी सुविधाएं जो बात की जा रही हैं, ये कितना हद तक सक्सेस होगा ये तो लागू होने के 1-2 साल के बाद सारी चीज़ें क्लियर होने लगेंगी। आपका क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर करिएगा, अपना लव और सपोर्ट बनाए रखिएगा। थैंक यू।